वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अनदर वीडियो में। आज हम लोग एक स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं, एक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डेडली असेंबली। इस डेडली असेंबली के अंदर रहते हैं 5-10 प्लेयर्स। उन 10 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। उन लोगों के लिए इस स्टोरी को मैंने बनाया। मेरा सफ़र क्या रहा डेडली असेंबली में, पूरा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, जिसने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें आने वाली हैं। सीज़न 2 आने वाला है, ये है फुल वीडियो ऑफ सीज़न 1। सो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा रीच, बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। बस इतना सा बचा है, सिर्फ हम लोगों को 20 सब्सक्राइबर्स और चाहिए इसको रीच करने के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं भी अपनी स्टोरी की तरफ को। स्टोरी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में मैं इंक्लूड करूंगा कि मैं कैसे ज्वाइन हुआ था SMP में, मेरी ज्वाइन होनी कैसे हुई थी। मैं ज्वाइन हुआ था SMP में एक एप्लीकेशन बना के, क्योंकि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस वीडियो को बना के मैं इसमें सेलेक्ट हुआ था। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, PvP स्किल्स हैं, मेरी एडिटिंग स्किल्स, हमने स्किल्स, ये सारी स्किल्स मेरी आपको इस वीडियो में दिख जाएंगी। सो आप लोग इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो चैनल पर ही होगी, तो आप मेरी इस वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलो फिर बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ को। पार्ट 2 कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ सीज़न 1 में जिससे मैंने SMP के वीडियोस ही नहीं डाले। मैंने अभी तक सिर्फ ये पार्ट 1 स्टोरी बनाई, मैंने इसका अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, कोई भी अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाली, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि हमने वीडियो क्यों नहीं डाली। क्योंकि मेरे साथ SMP में कुछ भी बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा था, मैंने तब भी वीडियो नहीं डाली। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था उस वक्त पर बनाने का। उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, बहुत सारी करनी थी चीज़ें, इसकी वजह से। अब वो पता नहीं मैंने क्या किया उस वक्त पर, मैंने क्या हो रहा था, लेकिन तब भी मैंने इसमें किया है। तो आपको पता चल गया मैंने क्यों वीडियो डाली। अब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ SMP में कि मैंने वीडियो नहीं डाले। मेरे साथ तो आपको पता चल गया मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाले। मैंने वीडियो इसलिए डाले क्योंकि मैं जो भी करता था SMP में वो वीडियो में दिखाने लायक ही नहीं था। मतलब जो मैं बनाता था अब कोई उसको तोड़ देता था, कोई ख़राब कर देता था। मैंने एक भी ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो मेरे बिल्ड्स को बर्बाद ना करे। उसमें 2-3 PC प्लेयर्स जो थे, आपको पता है मैं एक पूजा प्लेयर हूँ, कुछ PC प्लेयर्स भी थे जिन्होंने मेरे सबसे ज़्यादा बिल्ड ख़राब किए हैं, मुझको बहुत ज़्यादा मारा। लेकिन मैं इसके ऊपर इन लोगों को सीज़न 2 में कुल हरा कर दूंगा। तो मेरे सारे हाउस स्पॉन, पूरा स्पॉन भी ख़राब हो गया है। आपको ये वीडियो में देख सकते हैं, ये पूरा स्पॉन इन लोगों ने ख़राब कर दिया है। ये स्पॉन की कैसी हालत हुआ करती थी और ये स्पॉन अब कैसा हो गया है, इन लोगों ने बिल्कुल स्पॉन की हालत ख़राब कर दी। स्पॉन को बिल्कुल रखा ही नहीं एंड SMP को ग्रो ही नहीं करने दिया, बिल्कुल बिल्ड इसके अंदर नहीं बनवाने दिए, जो बनाता था उसको मारते थे।
किसी ने एसएमपी तक बिल्ड तक एक घर भी नहीं बनाया किसी ने इस एसएमपी में, जो घर बने वो सबको बर्बाद कर दिया। अगर आपको उस प्लेयर को जानना है जो कि मिस्टीरियस प्लेयर है जो एसएमपी का स्पॉन लगातार ख़राब करता जा रहा है, तो इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। हो सकता है अगली वीडियो में उसका पर्दा खुल जाए।